दोस्तों, मैंने आपको इसके पार्ट वन में बताया था कि जुपिटर की खोज किसने की और जुपिटर के कितने मून्स हैं, तो मैं आज उसका पार्ट टू लाया हूँ। अगर आपको इसका पार्ट वन देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि जुपिटर के ऑर्बिट में कौन कौन स्पेसशिप गए थे। आप बस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गैनीमेड के बारे में, जो जुपिटर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा मून है। और ये सिर्फ जुपिटर का ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है। गैनीमेड की खोज साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने 7 जनवरी 1610 ईस्वी में किया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैनीमेड का आकार बुध ग्रह से भी बड़ा है। इस चंद्रमा का द्रव्यमान कुछ इतना है और व्यास भी कुछ इतने किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रकार यह मून साइज में सोलर सिस्टम के सभी मूनों से भी बड़ा है। नंबर सेकंड, क्या जुपिटर के इन मून्स पर लाइफ पॉसिबल है? बृहस्पति ग्रह के महत्वपूर्ण उपग्रह में से गैनीमेड और यूरोपा सबसे इम्पोर्टेंट मून्स हैं। साइंटिस्टों के द्वारा ऐसा भी माना गया है कि इनकी सतह का निर्माण बर्फ से हुआ है, और इन उपग्रह के सतह के नीचे पानी का महासागर मौजूद है। साइंटिस्टों के अनुसार यहाँ पर चंद्रमा पर भी जीवन की संभावनाएं मौजूद हैं, और इस पर लगातार रिसर्च चल रहा है। नंबर थर्ड, जुपिटर प्लैनेट का हार्ड मैग्नेटिक फील्ड। सौरमंडल में प्रस्तुत 8 उपग्रहों में से बृहस्पति ग्रह अपने विस्तार व बड़े आकार के कारण सूर्य की तरफ 6 लाख से लेकर 2 मिलियन मील के क्षेत्र को बहुत प्रभावित करता है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मुकाबले 16 गुना अधिक मजबूत और शक्तिशाली है। अपने कठोर चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये अपनी कक्षा में ठहरने वाले स्पेसशिप को चुटकी में नष्ट कर देता है। नंबर फोर, जुपिटर में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जुपिटर और मार्स के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा के प्रचलित वैज्ञानिकों द्वारा बृहस्पति ग्रह के ऊपरी वायुमंडल को क्लाउड बेल्ट और जोन में बांटा गया है, जिसके अनुसार ये क्षेत्र मुख्य रूप में सल्फर, मीथेन, अमोनिया, क्रिस्टल एवं अन्य यौगिकों से मिलकर बना हुआ है। नंबर फाइव, जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर करने वाले 8 स्पेसशिप। विशिष्ट तौर पर जुपिटर प्लैनेट का पूर्ण शोधन और अध्ययन करने के लिए नासा के कुल 8 स्पेसशिप का इस्तेमाल किया गया था, जिसे उन्होंने 1980 से लेकर 2007 के बीच जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर करवाया। उन स्पेसशिप का नाम ये था। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।